जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग रेखीय आवर्धन के बारे में सीखने वाले हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो चलिए सीखते हैं। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, बट्टा को, रेशियो को मैग्निफिकेशन मतलब रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे यहाँ समझते हैं, एक अवतल दर्पण है, ये है इसका मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव P, यहाँ फोकस, यहाँ इसका सी। तो मान लेते हैं कि ये को यहाँ वस्तु है ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, मान लेते हैं फोकस यहाँ फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु मान लेते हैं ए डैश पर काटती है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तो ये वस्तु की लंबाई है, और वस्तु की लंबाई को मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई, ये है प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसको हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज। ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को इसको कह सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को एच आई और वस्तु की लंबाई को एच ओ, एच आई अपन एच ओ। रेखीय आवर्धन को एम से व्यक्त करते हैं, एम से रेखीय आवर्धन किससे व्यक्त करते हैं, एम से। तो यहाँ हो जाएगा एम बराबर एच आई अपान एच ओ। अब यहाँ चिन्ह प्रॉपर्टी के साथ भी लिखेंगे, यहाँ जो चिन्ह प्रॉपर्टीज होता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी दूरी होती है सब प्लस में, नीचे वाली दूरी माइनस में होती है। हम लोग समझे थे कि मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है वो प्लस में, और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरी होती है वो माइनस में होती है, क्लियर है। तो यहाँ वस्तु की जो लंबाई होगी वो प्लस में होगी, और प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो माइनस में होगी, क्लियर हो गया। अब यहाँ एच ओ ना व्यक्त करके हम लोग ओ से भी व्यक्त कर सकते हैं वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से व्यक्त कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ एच आई अपान एच ओ कोई दिक्कत नहीं है, या इसको व्यक्त कर सकते हैं, इसको और एक तरह से व्यक्त करते हैं कि आई अपान ओ से भी व्यक्त कर सकते हैं, जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसको आई से व्यक्त कर सकते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से, या एच आई मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ से ये समझें कि एम बराबर एच आई अपान एच ओ माइनस में। ये तो था इसका डिफिनेशन रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन का जो डिफिनेशन था कि रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। हम लोग एक और इसका जो फॉर्मूला होता है, एक और इसका जो सूत्र होता है उसको समझें कि m बराबर माइनस वी अपान यू होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, और ये कैसे होता है इसके बारे में अभी समझते हैं, क्लियर है। चलिए इसको मिटा देते हैं। हम लोगों को समझना है कि m बराबर माइनस वी अपान यू क्या होता है, ठीक है। जो v होता है, v वो प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है, क्लियर। तो यहाँ हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं कि m बराबर माइनस वी अपान यू कहाँ से होता है और कैसे होता है, क्लियर है। तो हम यहाँ समझते हैं, ये है एक अवतल दर्पण, और ये है इसका मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव P होगा और यहाँ F होगा, यहाँ पर C होगा। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु यहाँ रखी हुई है AB, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाएगी वो फोकस से परावर्तन के पश्चात होकर जाती है,
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस है, और एक ऐसी किरण भेजते हैं जो ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे को यहाँ काटती है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। जो ये मुख्य अक्ष है, अब ये नॉर्मल का काम करने लगेगा। देखिए, आपतित किरण और यहाँ से ये परावर्तित किरण, तो जो ध्रुव P होगा ये आपतन बिंदु का काम करेगा। तो आपतन बिंदु और दर्पण के लंबवत खींची गई जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP जो त्रिभुज होगा ABP तथा ABP, ए बी पी ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला, और ए डैश बी डैश पी ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। जो कोण बी है ये 90 अंश का है, और यहां भी जो कोण बी है वो 90 अंश का है, समकोण से। ये कोण बी 90 अंश का है और ये भी कोण 90 अंश का है, मतलब इस त्रिभुज और इस दोनों त्रिभुज में एक कोण समकोण हो गया। और ये जो कोण है आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, तो ये दोनों परावर्तन के नियम से आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में परावर्तन के नियम से बराबर हो जाएंगे। तो किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज का जो तीसरा का कोण होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, सिमिलियर ट्रायंगल हो जाएंगे। क्लियर है? ये 90 अंश से दोनों बराबर, ये और ये परावर्तन के नियम से आपस में बराबर। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं ABP और ADSBDP, ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, और समरूप त्रिभुज का कंडीशन होता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहां कह सकते हैं कि ये जो लंब है और ये जो लंब है इनका अनुपात, और इनका जो बेस है आधार और इसका आधार का अनुपात आपस में बराबर होगा। मतलब ये वाला बटा में ये वाला, ये वाला बटा में ये वाला, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कह सकते हैं यहां से कि ए डैश बी डैश बटा में ए बी, ए डैश बी डैश अपन ए बी, मतलब इस त्रिभुज का ये लंब है तो इस त्रिभुज का ये वाला लंब है, तो इसके बटा में ये और इसके बटा में ये, मतलब बी डैश पी, बी डैश पी बटा में बी पी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब ये बटा में ये बटा में ये। क्लियर हो गया? चलिए, जो बी है बी, ये कोई भी दूरी दर्पण में ध्रुव से मापते हैं, तो पी से बी की जो दूरी होगी ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को यू से व्यक्त करते हैं, किससे? यू से। और जो पी बी डैश है ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसे स्मॉल वी से व्यक्त करते हैं। ए बी जो है ये वस्तु की लंबाई है, और ए डैश बी डैश जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है। क्लियर हो गया? चलिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटा में ए बी, ए बी ये वस्तु की लंबाई है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। क्लियर? बराबर होगा बी डैश पी, बी डैश पी ये इमेज की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को वी से व्यक्त करते हैं। और बी पी, बी पी ये वस्तु की लंबाई है, इसको यू से व्यक्त करेंगे। लेकिन जो साइन कन्वेंशन होता है, चिन्ह प्रॉपर्टी होता है, उसके साथ लिखते हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी दूरी रहेगी प्लस में, नीचे की दूरी माइनस में, और जो आपतित किरण है उसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस में, और उसके दिशा में जाएंगे तो प्लस में। तो यहां से इधर की सब दूरी माइनस में और इधर की सब दूरी है प्लस में, ऊपर की प्लस में और नीचे की माइनस में। तो एच आई जो है, एच आई इमेज की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज, इसकी जो लंबाई होगी वो माइनस में होगी। क्लियर? एच ओ मतलब वस्तु की जो लंबाई होगी ए बी, ये प्लस में होगी। भी जो वी है, बस प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश, ये इस दिशा में, तो इसलिए ये माइनस में, वस्तु की जो दूरी होगी ये भी माइनस में होगी। क्लियर हो गया? चलिए, तो एच आई अपन एच ओ मतलब हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी अपन यू हो जाएगा। तो ये माइनस इसको इधर भेज देते हैं,
तो एच आई अपन एच ओ अपन बराबर माइनस वी अपन यू हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एम बराबर एच आई अपन एच ओ होता है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटन वस्तु की लंबाई को मैग्निफिकेशन कहते हैं, एम से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि एम बराबर माइनस वी अपन यू भी होता है। क्लियर हो गया। अब एक और बात कहें, अर्थात एम बराबर आई अपन ओ होता है और एम बराबर माइनस वी अपन यू होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि एम बराबर आई अपन ओ बराबर माइनस वी अपन यू कह सकते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, रेखीय आवर्धन होता है, ये प्रतिबिंब कितना गुना बना है कोई वस्तु से इसको व्यक्त करता है। जैसे एम बराबर आई अपन ओ, मतलब जो ये बना हुआ प्रतिबिंब है ये वस्तु से कितने गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है, इसको व्यक्त करता है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया होगा। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको आप समझते हैं हम लोग। जैसे कहेगा कि रेखीय आवर्धन जो है वो प्लस में है, रेखीय आवर्धन प्लस में है, एम का मान जो है वो प्लस में आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो एम का मान जब पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये हुआ कि एम का जो मान है आई अपान ओ होता है, तो वस्तु प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो भी और वस्तु की लंबाई ये या तो दोनों प्लस में है या तो दोनों माइनस में है। मतलब ये कि अगर ये दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर होंगे, दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर होंगे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, तो दोनों प्लस प्लस में, या दोनों मुख्य अक्ष के नीचे रहेंगे तो दोनों माइनस माइनस में, इस वजह से भी प्लस हो सकता है। क्लियर है। तो इसको कह सकते हैं कि अगर मुख्य ये कहीं साइड में वस्तु है और उसी के साइड में प्रतिबिंब भी है, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब है, तो जो रेखीय आवर्धन होगा ये पॉजिटिव आएगा, मतलब धनात्मक आएगा, या मुख्य अक्ष के नीचे है दोनों तब भी धनात्मक आएगा। क्लियर हो गया। तो जब दोनों एक ही साइड में बनते हैं, तो याद कीजिए इमेज हम लोग बना रहे थे, तो जब दोनों एक ही साइड में बनेंगे तो इस प्रकार का जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, मतलब आभासी होता है। तो पॉजिटिव आने की वजह से इसे आभासी कहेंगे। कैसा इमेज बनेगा? आभासी बनेगा। तो जब कहेगा कि रेखीय आवर्धन प्लस में है, तो इससे हम लोग क्या समझ पाएंगे? दो बातें, कि ये दोनों एक ही साइड में है और मुख्य अक्ष के ऊपर है या मुख्य अक्ष के नीचे है, और इसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो आभासी है। क्लियर हो गया। यदि यदि यहीं पर निगेटिव कह दे, एम का जो मान है वो कह देगा कि निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है, तो जब ऋणात्मक होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु है उसके विपरीत बना हुआ है उसका इमेज। ये मान लेते हैं वस्तु है, तो वस्तु प्लस में, तो इसका इमेज जो बना हुआ है वो नीचे बना हुआ है माइनस में। क्लियर हो गया। तब आएगा माइनस में, मतलब एम बराबर माइनस आई अपान ओ हो जाएगा। क्लियर है। तो जब ये माइनस में आएगा तो इसका मतलब ये वस्तु के विपरीत, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के कहाँ बना हुआ है? नीचे। और इसमें जब मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है। तो निगेटिव से हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और पॉजिटिव से ये समझ पाएंगे कि ये आभासी प्रतिबिंब है। तो आई होप कि आपको इतनी बात से समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।